फ्रेंड्स, आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद भट्टी एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टाइटल है कि दो लैंप को हमने तीन अदद स्विचेस के ज़रिए से कंट्रोल करना है, और वो तीनों स्विचेस जो हैं ये टू वे स्विचेस होंगे, और उसके अंदर एक ऑप्शन और मौजूद होगी कि वन बाई वन तो कंट्रोल होंगे लेकिन इसके साथ ही जो है एमरजेंसी दोनों लैंप जो हैं ये ऑन होंगे। तो बढ़ते हैं इसको, इस सर्किट को मुकम्मल करने की जानिब। तो इसके लिए जो हमें मटेरियल दरकार है वो आपके सामने है, यानी हमें इसके लिए तीन अदद जो है स्विचेस चाहिए जो कि टू वे होंगे, दो अदद होल्डर चाहिए और दो जो है बल्ब चाहिए होंगे ताकि हम इसको मुकम्मल कर सकें। तो बढ़ते हैं इस सर्किट को डायग्राम के मुताबिक इसको मुकम्मल करने की जानिब। तो सबसे पहले जो है एक स्विच जो कि टू वे होगा, इसके लिए दो वायर जो हैं अपर और लोअर टर्मिनल में हमें इंसर्ट करके इससे जो है एक अदद स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है स्क्रूज को टाइट करके होल्ड करूँगा, जैसे कि मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। ये स्विच वन मैं इसे नाम दे देता हूँ। स्क्रूज को मैंने टाइट किया, दूसरी साइड से भी स्क्रूज को मैंने टाइट किया। अब ये जो है अपर लोअर के साथ जो है मैं एग्जैक्टली दूसरा स्विच यूज़ करूँगा, लेकिन उसके लिए मैंने उसकी पोजिशन को देखना है। तो इसको भी मैं इसी तरह से ही इंसर्ट करूंगा दोनों तरफ से, अपर और लोअर को, अपर लोअर के साथ ये, लेकिन इसके साथ मैं ये दो वायर्स और इंसर्ट करूंगा और इसको वन बाय वन जो है होल्ड करूंगा लाइक दिस। ये मैंने मुकम्मल कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से मैं लोअर के साथ भी डील करूँगा और इसके स्क्रूज को भी सेम मेथड पर ये मैंने टाइट कर लिया। अब जो है तीसरा स्विच जो है इसको भी चेक करके मैंने पहले दो स्विचेस की तरह, स्विच वन और स्विच टू की तरह मैंने इसको भी इसमें इंसर्ट किया। इस तरह से मेरा ये अरेंजमेंट जो है कंप्लीट हुआ। अब मैं होल्डर की तरफ बढ़ता हूँ। होल्डर के लिए मैंने ये करना है कि दोनों को न्यूट्रल अप्लाई करके एक एक जो है हाफ पॉइंट में इसका जो है वहाँ से आउटपुट के लिए जो है इसको अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल के लिए डील करता हूँ। कैसे ओपन कर लेता हूँ और इसमें दो स्क्रूज जो हैं अब मैं इसको दूसरे होल्डर की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ इसको बतौर जो है सेकंड वन और इसको कॉमन करूँगा। एक साइड पर जो है कवर नहीं लगाता ताकि जो है साइड का कनेक्शन जो है ये वाजे हो जाए। अब मैं न्यूट्रल के लिए जो है एक वायर लूँगा, इसमें पॉसिबल था ये न्यूट्रल मैंने इंसर्ट कर ली। अब इसके मैं हाफ पॉइंट जो है वो लेके जाता हूँ नीचे, यानी इसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका हाफ पॉइंट जो है उसको कनेक्ट करता हूँ। ये हाफ पॉइंट,
और इसको भी जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से होल्ड कर लेता हूँ। अब मेरा ये मुकम्मल हो गया और अब जो है इसमें फेज़ लाइन जो है वो अप्लाई करता हूँ जो कि इस स्विच पर होगी। ले जी, इस तरह से मेरा सर्किट मुकम्मल हो गया और अब मैं इसे सप्लाई दे के जो है इसको दिखा दूंगा। ये केसिंग मैंने इसलिए नहीं लगाई ताकि जो है ना इसके कनेक्शन और वाजे हो जाएं। मैं इसको इस तरह से चेंज कर लेता हूँ इस फॉर्म में और अब जो है मैं बल्ब लगा देता हूँ दोनों में, दोनों होल्डर्स में। अब इसको मैं सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ से ऑन किया, ऑन करने के बाद इस स्टेप पर आया, यहाँ से मैं इसे ऑफ कर दूंगा, अगला ऑन हो जाएगा और फिर मैं इसको दोनों को ऑफ कर दूंगा और इससे दोनों को ऑन किया जा सकता है ये चीज़। तो स्टेप वन जो है वो इस स्विच के थ्रू, स्टेप टू उसके थ्रू और स्टेप थ्री इसके थ्रू। यानी यहाँ से अगर ऑन हुआ ये वाला, ठीक है, यहाँ से इसको ऑफ किया, उसको ऑफ किया, ये बॉटम पे था, ये अपवर्ड था, तो ये जो अपवर्ड है यानी यहाँ से शुरू हुआ था सबसे पहले, यहाँ इसकी पोजीशन को चेंज किया तो इसका मुतलका जो है लैंप ये रोशन हो गया। अब स्टेप आगे बढ़ गए, सेंटर वाले स्टेप पे आ गए, इस स्विच की पोजीशन को चेंज की तो पीछे वाला जो लैंप है ये बुझ गया और आगे वाला लैंप जो है ये रोशन हो गया। जब इस स्विच को मैं चेंज करूँगा दोनों लैंप जो हैं ये बुझ जाएंगे और ये मास्टर को मैं कंट्रोल करूँगा तो दोनों इमरजेंसी में मैं इसे ऑन कर सकता हूँ। ये ऑफ कर दिए, अब दोनों में से किसी को भी उसके मुतलका जो है बल्ब को मैं किसी जगह से, कोई भी बंदा अगर नीचे है तो नीचे वाले को ऑन करके जो है ऊपर आके इसको ऑफ करके ऊपर वाले को ऑन कर लेगा, फिर दोनों को ऑफ कर देगा और मास्टर जो है इसके ज़रिए से दोनों को ऑन कर लेगा। इस तरह से मेरा ये सर्किट मुकम्मल होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।